बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दादोज किचन एंड व्लॉग्स। तो जैसा कि व्यूअर मैंने आपको बताया था कि हर दिन का मेरा एक डिफरेंट ड्रिंक होगा, तो इसलिए आज जो मैं बना रही हूँ, जो ये मैं बोंटी मिल्क शेक बना रही हूँ, तो इसके लिए ये मैंने दो बोंटी के पीस लिए हैं और इसमें मैं मिल्क डालूँगी, क्योंकि सर्दियों का अभी मौसम है, इतनी गर्मी नहीं आई, तो इसलिए आइसक्रीम या आइस में कम ही डालूंगी, क्योंकि उससे फिर पता है आप लोगों को कोई बीमार ना बंदा हो जाए या कुछ, तो इसलिए मैं उसके बगैर बनाऊंगी। ये जो मैंने मशीन ली थी, बुलेट मैजिक मशीन, ये भी इसके साथ आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो ये मिल्क शेक मैंने इसमें आइसक्रीम और नहीं डाली आइस, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो ये ना गला आपका ख़राब हो जाए, तो इसको मैं जस्ट खाली दूध और चॉकलेट से बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको इसमें जग में डालते हैं। व्यूअर, जे मैंने अपना फ्रूट कॉकटेल बनाया है, तो ये इसका तरीका मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही इजी है बनाना, पर बहुत मज़ेदार होता है। तो इस बार मैंने सोचा हुआ है कि बच्चों को हेल्थी फूड दूंगी, कोई तली हुई चीज़ें वगैरह नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने खरबूजा काटा है और ये फ्रूट कॉकटेल बनाया है, बोंटी मिल्क शेक है, और इसके बाद रोज़ा ओपन करके तो हम इंशाल्लाह कीमा बनाया हुआ है मैंने, कीमा और रोटी खाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हम रोज़ा ओपन के लिए बनाई हैं, तो इस बार तली हुई चीज़ें नहीं बनाऊंगी। तो आप ये बोंटी मिल्क शेक भी बना के तो रोज़े के साथ ये ट्राई करें, तो ये माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। तो इंशाल्लाह मैं कल दूसरा कोई ड्रिंक आपको बताऊंगी, तो आज का मेरा ड्रिंक ये है। तो आप रमज़ान अल मुबारक का महीना, बहुत बरकतों का महीना, आप मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।